केरल के दक्षिणी हिस्से का पतनमथिट्टा ज़िला बेहद शांत माना जाता है, लेकिन सबरीमाला मंदिर विवाद के चलते यहां हालात उलट गए हैं। राज्य में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और पतनमथिट्टा लोकसभा सीट भी सुर्खियों में बनी हुई है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यहां से वीना जॉर्ज, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एंटो एंटनी और एनडीए ने के सुरेंद्रन को उम्मीदवार बनाया है। चुनावी माहौल में पतनमथिट्टा में हालात कैसे हैं और स्थानीय लोगों की चिंताएं क्या हैं, हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे बता रहे हैं। पथनमथिट्टा का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर एक चांस है उसे यहाँ की सीट हासिल करने का। यहाँ पर जो उनके मेन उम्मीदवार हैं, जो चेहरा रह चुके हैं सभी वाला प्रोटेस्ट के, और बीजेपी को लगता है कि इससे काफ़ी उनको जो है लाभ मिलेगा, यहाँ पर वोटें मिलेंगी और वो वोट जो है कन्वर्ट होंगी एक सीट में। दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट या दोनों की यहाँ टक्कर है, तो ये भी है कि शायद वो दोनों पार्टी और गठबंधन एक दूसरे का अपना वोट काटे, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, यही अनुमान लगाया जा रहा है। डेवलपमेंट तो हमारा पहला मुद्दा है, वो तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट चाहिए चाहिए, बाद में रिलीजियस भगवान को कोई रक्षा करना कोई जरूरत नहीं है, भगवान हमारे को रक्षा करता है। तो सबरीमाला आपके हिसाब से The BJP government is only for Adani groups only, not for the poor people and not for the Indian people. So BJP is saying that left did not handle Sabarimala correct. So is Sabarimala a big issue? No. Sabarimala is not an issue. The Kerala people are educated. They know the politics of and the what they call is the sentiments of the religion. You know, religion is not a matter to the entire politics. This is by the order of Supreme Court, not made by the left government. By the order of the Supreme Court, we will obey the Supreme Court order.